तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में हर एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। यहाँ तक कि जहर से भी आपको फ़ायदा हो सकता है और मिठाई से नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से ये बात लागू होती है कोरोना पर। जी हाँ, ये भारत को बड़ा फ़ायदा करवा सकता है। बस एक ही वार्निंग है, एक ही चेतावनी है, तभी ये फ़ायदा भारत को हो सकता है कि अगर ये वायरस भारत में ना फैले। जी हाँ, अगर भारत में ये फैला तो भारत को ये फ़ायदे नहीं होने वाले। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारी आपने वीडियो, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाने की सोची है कि कोरोना से भारत को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सी वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि नुकसान होगा, ये होगा, लेकिन कुछ फ़ायदे भी भारत को देखने को मिल सकते हैं अगर भारत ने सही तरीके से इन मौक़ों का यूटिलाइजेशन कर लिया। चलो दोस्तों, कौन कौन से मौके हैं इस वीडियो में हम जानेंगे, इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं पूरी लिस्ट एक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नॉलेजफुल डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और वर्ल्ड न्यूज़ से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर आपको खबरें मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जो विशेषज्ञों की नई रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत इससे फ़ायदा उठा सकता है कोरोना वायरस से बनिस्पत की नुकसान, और इसमें बस उन्होंने एक ही कंडीशन जोड़ी है कि भारत में कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले। और अच्छी खबर अभी तक ये है कि भारत इसे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा है। नहीं तो आपको बताऊं कि जब कोरोना वायरस स्टार्टिंग में चीन में फैला था तो सब ने चिंता जताई थी, सभी जो खासकर फॉरेन मीडिया ने कहा था कि भारत इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, भारत में डिजास्टर ज़्यादा फैलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने समय पर इसे कंट्रोल करके रखा है अभी तक तो, और लेकिन यूरोप में इसे तबाही मचा दिया है, जिससे कि यूरोप में क्या हो गया कि जितनी भी बड़ी फैक्ट्री हैं, जो मार्केट है, उनका पूरा खाली पड़ा है। चीन वहाँ पर एक्सपोर्ट कर नहीं सकता क्योंकि चीन में खुद वहाँ पर फैक्ट्री बंद पड़ी है। ऐसे में भारत एक उम्मीद की किरण जगाता है, उनका यही कहना है कि भारत एक उम्मीद की किरण जगाता है और भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लीड कर सकता है, क्योंकि अभी तक भी चीन में कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले कितने समय तक फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। खबरें आई कि कुछ फैक्ट्रियाँ खुली है, लेकिन ये सिर्फ चीन का प्रोपेगेंडा था, वहाँ पर अभी भी कोई फैक्ट्री नहीं खुली है। अभी भी वहाँ पर सिर्फ जो मेट्रो स्टेशन है उन्हें, जो या छोटे मोटे जो स्ट्रीट है उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, फैक्ट्रियाँ सैनिटाइज होगी, वहाँ पर पूरे के पूरे शहर सैनिटाइज होंगे, उनमें बहुत समय लगने वाला है। भारत के पास समय है, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन सकता है, क्योंकि यूरोप की मार्केट बहुत ही वेल्दी मार्केट है। वहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक रुपये का प्रोडक्ट वहाँ पर आप 100 रुपये में बेच सकते हैं, जिससे कि फ़ायदा होता है हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है, और इन्हें ग्रो करने का मौका मिलेगा। ऐसे में, और ये मौका दोस्तों बार बार नहीं आता, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को 12 साल पीछे धकेल दिया है, 2008 के क्राइसिस में दोबारा लाकर पटक दिया है। यहाँ से भारत के पास मौका है, क्योंकि कंपटीशन में कोई नहीं है। अमेरिका की हालत ख़राब हुई पड़ी है, अमेरिका की कंपनियां बैंक्रप्ट होती जा रही हैं। यहाँ पर अगर आप उदाहरण दो, मैं आपको यूरोप में सारी कंपनियां ठप पड़ गई हैं, चीन पूरी तरीके से ठप पड़ा है। भारत के पास एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अब इसने कंपटीशन को बराबर ला कर रख दिया। पहले क्या था, भारत की छोटी छोटी कंपनियाँ थी, लेकिन अमेरिका, यूरोप और चीन की कंपनियाँ लगभग सभी सेम लेवल पर आ गई है भारत के साथ, क्योंकि सबकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू है सबकी जीरो ही हो गई एक तरीके से। भारी नुकसान इन्हें देखने को मिला है वर्ल्ड लीडर्स को, और इनकी सरकारों को भी भारी खर्चा करना पड़ रहा है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर, जिससे कि भारत को एक कंपीट करने का मौका मिल गया, क्योंकि पहले कंपीट नहीं कर सकता था भारत। इनके पास बहुत सारा पैसा था, अगर भारत कहीं कंपीट भी करता था तो अपना पैसा फूंक कर भारतीय कंपनियों को कंपटीशन से हटा देते थे। ये एक बड़ा चांस है भारत के पास कि इस मौके को ग्रैब करे, यही एक मौका है, क्योंकि यह मौका किसी भी देश को बार बार नहीं मिलता है। और भारत ऐसी ऐसी मार्केट को कैप्चर कर सकता है जो बहुत ही पैसे वाली मार्केट है, छोटी मोटी मार्केट, जैसे मैं म्यांमार, इंडोनेशिया, इन छोटी मार्केट की बात कर रहा हूँ, मैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और खासकर कुछ चीन के कुछ सेक्टर को भी भारत कैप्चर कर सकता है। ये भारत के पास एक बड़ा एडवांटेज है। बस एक ही इसमें शर्त जोड़ी गई है कि भारत इस वायरस को अपने देश में ना फैलने दे। हमारे देश में ये वायरस जितना अगर फैला तो फिर भारत भी और ज़्यादा डाउन चला जाएगा। भारत के पास एडवांटेज ये भी है कि हमारे पास अभी जो ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर हमारी इकोनॉमी $3 trillion की है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितना नुकसान होगा इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से $300-400 billion का। लेकिन जो चीन की इकोनॉमी है वो $13-14 trillion की है, उन्हें नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, $1-1.5 या $2 trillion तक का भी नुकसान होगा, जिससे कि भारत को यहाँ पर इनडायरेक्ट बेनिफिट ये मिलता है। यही भारत को बस अब जा देखना है कि इस मौके का फ़ायदा उठाए, और इसको लेकर हमारे वाणिज्य और फाइनेंस मिनिस्ट्री सक्रिय भी हो गई है, वहाँ पर एक टीम का भी गठन किया गया है जो देख रही है कि कैसे भारत इस मौके का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, जैसे ही मुझे इसके टॉपिक के रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी मैं आपको एक तरीके से वीडियो बनाकर बताता चला जाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाए। वीडियो देखने में धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो की सब्सक्राइब की सपोर्ट।